जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर के मुख्य दरवाजा कैसा हो ताकि घर में सभी देवी देवताओं का आगमन बना रहे। दोस्तों कहते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा घर की असलियत बता देता है। घर के मुख्य दरवाजे से ही पता चल जाता है कि घर के अंदर कैसा माहौल है, कैसे व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों अगर आप सचमुच देवी देवताओं का प्रभाव देखना चाहते हैं, उनकी शक्ति देखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर कुछ चीजों को घर के अंदर भी रखना चाहिए, जिससे आपको इन सभी का प्रभाव, इनकी शक्ति, इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इनका आगमन आपके घर में बना रहे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर रखें इन पांच में से कोई एक चीज। खुलेगी सुख समृद्धि, खुशियों के द्वार, खुद माँ लक्ष्मी आएगी आपके द्वार पर। दोस्तों अक्सर देखा गया है जिस किसी घर के भी मुख्य दरवाजे पर वास्तु दोष होता है, उस घर में कोई न कोई समस्या चलती रहती है। जैसे किसी का बार बार बीमार होना, परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, या फिर कोई आपसी अनबन या फिर धन का कोई न कोई नुकसान होते रहना, ये चीजें आमतौर पर देखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी चीजें बताएंगे जिनमें से अगर आपने कोई एक भी चीज अपने घर के दरवाजे पर रख ली तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी खुद आपके दरवाजे पर आती है। उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा होना या फिर किसी व्यक्ति का बार बार बीमार होना या फिर आर्थिक तंगी, ये सभी चीजें तो आप जैसे भूल ही जाएंगी। आप कभी भी ये याद भी नहीं कर पाएंगे कि कभी आपके घर में ऐसी कोई समस्याएं भी थी। दोस्तों हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वह और उसका परिवार सदा खुश रहे, उसे घर पर कभी किसी की नजर ना लगे, उसी खुशियों पर कभी किसी की नजर ना लगे। क्योंकि दोस्तों नजर दोष इतना प्रभावित कर देता है कि उस दोष की वजह से घर की खुशियों पर जैसे दुखों के बादल छा जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नजर दोष से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि नजर दोष से अगर आप बच गए तो बाकी सभी चीजों से तो आप सहज रूप से बच जाएंगे। दोस्तों सप्ताह में एक बार आप अपने मुख्य दरवाजे को अवश्य धोया करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, इन दो में से कोई भी एक बार को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को अवश्य धोएं। दोस्तों जिस पानी से आप धोने वाले हैं उस बाल्टी में आप थोड़ी सी फिटकरी मिला लें और उसको घोल देने के बाद उस पानी से थोड़ा पानी डाल करके आप दरवाजे को धोना शुरू करें। उसके बाद आप चाहे कैसे भी पानी से उसे धो लें। उसके बाद दोस्तों समुद्री नमक यानी सेंधा नमक जिसे आप व्रत में खाते हैं उसको पानी में मिला लें और उसे उस दरवाजे के नीचे वाले जो फर्श है उस पर आप पोछा लगा दें। अगर दोस्तों आपके मुख्य दरवाजे पर पोछा लगाने की जरूरत नहीं है या फिर आप लगा नहीं सकते हैं, ऐसी जगह नहीं है, तो दोस्तों आप उस पानी में ही जिसमें आपने फिटकरी मिलाई थी उसी में थोड़ा नमक मिला करके उस दरवाजे को धो दें। दोस्तों ऐसा करने से स्वयं बजरंगबली आपके दरवाजे पर रक्षा करते हैं। आप पूरे सप्ताह तक आपको नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, कोई भी नजर दोष आदि से आपको कभी भी पीड़ा नहीं हो सकती है। दोस्तों स्वयं बजरंगबली आपके पहरेदार बन जाते हैं। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, आपने सुना भी होगा कि जहाँ भी जिस घर में भी या जिस स्थान की भी स्वयं बजरंगबली रक्षा करते हैं वहाँ भूत प्रेत बाधा नजर दोष आदि कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों दूसरे उपाय जो हम बताने जा रहे हैं या दूसरी चीज के बारे में बात करें तो दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप अगर रंग नहीं लगाते हैं या फिर उसे पेंट नहीं करते हैं तो आप उसे पेंट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों रंग के बारे में भी आपको बता दें कि रंग कभी भी काला या नीला नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से काला या नीले रंग का दरवाजा आपके घर में आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटनाएं या फिर आकस्मिक धन की हानि का कारण बनता है। हाँ अगर आप कोई और रंग कर रहे हैं उसके साथ ही अगर कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं थोड़े बहुत रंग नीला या काला लगाकर वह आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी तरह से काला या नीला दरवाजा आप बिल्कुल भी ना बरतें। दोस्तों तीसरी जो चीज है वह है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माने जाने वाले पौधे तुलसी के बारे में तो यह मान्यता है कि जिस घर में भी यह होती है उस घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों अगर मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते ही अगर सामने किसी को तुलसी दिखाई दे जाए, यानी कि ऐसे स्थान पर तुलसी को विराजित किया गया हो कि आपको मुख्य दरवाजा खोलते ही सबसे पहले तुलसी के दर्शन हो, तो दोस्तों ऐसे घर की तो कभी भी होड़ नहीं हो सकती है। ऐसे घर में तो लक्ष्मी जी का प्रवेश करना निश्चित ही होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ऐसे घर में
मुख्य दरवाजे से लक्ष्मी प्रवेश तो करती ही है, साथ ही साथ जिस घर में सामने लक्ष्मी जी को अगर तुलसी जी दिखाई दे जाए तो उस घर में सदा के लिए वह तो लक्ष्मी जी वास कर लेती है, कभी भी उस घर को उस परिवार को छोड़ करके नहीं जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि दोस्तों कि हमारे कुछ जो लोग जाने अनजाने ही दुश्मन बन जाते हैं और वे कोई ऊपरा या फिर टोना टमका करने के लिए आपके घर में कोई वस्तु लेकर आते हैं, ऐसे में अगर दोस्तों सामने अगर उनकी नजर तुलसी पर पड़ जाती है तो दोस्तों समझ लीजिए उस टोने टोटके की सारी नकारात्मक चीजें खत्म हो जाती है, उस नकारात्मक वस्तु का उस टोने टोटके का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं होता है। दोस्तों चौथी जो चीज है वह है घर का पायदान। जी हाँ दोस्तों, घर का पायदान अगर सही तरीके से रखा गया हो या फिर पायदान के आसपास जो हम चीजें बता रहे हैं अगर वह रखी गई हो तो दोस्तों आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में अब सिर्फ बरकत ही बरकत होने वाली है, केवल और केवल धन लाभ ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर के पायदान के नीचे यानी घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके पायदान के नीचे थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी या फिर काला नमक या फिर इन दोनों चीजों को मिला करके डाल देंगे और उसके ऊपर से जब भी कोई भी व्यक्ति घर का सदस्य किसी शुभ कार्य के लिए या फिर किसी जरूरी कार्य के लिए कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर धन अर्जित करने का हो या फिर किसी मीटिंग में जाकर के सफलता प्राप्त करनी हो या बिजनेस में उन्नति लेनी हो, अगर जो भी व्यक्ति जाएगा उस पर पैर पड़ेगा तो निश्चित रूप से ही सफलता को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता है तो खाली हाथ नहीं लौट कर आता, ऐसा व्यक्ति जब भी जाता है तो अपने साथ सफलता उन्नति और धन को लेकर ही आता है। दोस्तों पांचवा और अंतिम चीज है स्वास्तिक का निशान। दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर या रोली की सहायता से या कुमकुम की सहायता से आप दाहिने ओर और बाईं ओर यानी दोनों ओर आप एक एक स्वास्तिक का निशान बना दें। दोस्तों लाल रंग का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है, लाल रंग पवित्रता और शुद्धता और शुभता प्रदान करने के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, इसीलिए दोस्तों अब लाल रंग से आप कुमकुम की सहायता से हो चाहे सिंदूर की सहायता से हो आप लाल रंग की सहायता से एक एक स्वास्तिक का निशान बना दें। दोस्तों हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसकी पवित्रता इतनी होती है कि कहा जाता है कि जिस किसी घर पर भी यह लगा होता है उस घर में कभी भी बुरा वक्त नहीं आता है। अगर दोस्तों आपके मुख्य दरवाजे के ऊपर अगर स्वास्तिक बनाने की जगह हो तो आप इसे केवल और केवल वहीं बनाएं, एक स्वास्तिक केवल वहीं बनाएं। दोस्तों ऐसा करने से माना जाता है कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति को कभी भी नजर दोष का शिकार नहीं होना पड़ता है, उसे केवल उन्नति ही उन्नति देखने को मिलती है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि उस घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, केवल इस एक स्वास्तिक के निशान को लगाने मात्र से। आप चाहें तो बाजार से बना बनाया स्वास्तिक भी आता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अच्छा रहेगा कि आप खुद रोली चंदन कुमकुम आदि से इसे अपने घर पर बनाएं और इसे लगाएं। अगर कोई छोटी कन्या कुंवारी कन्या भी अगर इसे बनाती है तो ये आपके लिए और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि कुंवारी कन्या जिसकी उम्र 8 साल से कम कम हो ऐसी कन्या में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए अगर कुंवारी कन्या छोटी सी बच्ची अगर आपके मुख्य दरवाजे पर आपके घर में ही अगर कोई छोटी बच्ची है उसे अगर बना दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन ऐसे हो कि आपके घर में इतना धन छप्पर फाड़ के बरसे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो, धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर पर बरसने लगे, तो दोस्तों जो फेंग शुई की घंटियां आती है आप उनको अपने घर लेकर के आए। दोस्तों हम जानते हैं कि यह एक चाइनीज सामान है, लेकिन दोस्तों जो आपके घर के लिए शुभ है वह बताना हमारा फर्ज है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि वह आप घंटियां लेकर के आए। आपको इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार से बांध देना चाहिए कि जैसे ही मुख्य दरवाजा खुले ये घंटियां बजने लगे। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन घंटियों की ध्वनि इतनी मधुर होती है और इतनी शुभ होती है कि धन का आगमन आपके घर में उतना ही अधिक होने लगता है जितना अधिक ये घंटियां बजती हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ऐसे घर में हमेशा ही देवी लक्ष्मी का वास रहता है, हमेशा बरकत रहती है, कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती है, उस घर में सदा ही देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों अंत में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके मुख्य दरवाजे से अगर
आवाजें आती हैं, टूटा फूटा है, चर चर या किसी प्रकार की आवाजें आती हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, क्योंकि दोस्तों यह माना जाता है कि जिस घर के मुख्य दरवाजे से आवाजें आती हैं, वह दरवाजा उस घर में अशुभता ही लेकर आता है, उस घर में आकस्मिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों केवल आप उसमें तेल डाल दे, इतना ही बहुत है, ताकि आवाज करना बंद कर दे। अगर दोस्तों ज्यादा पुराना हो गया है तो आप उसे बदलवा दे, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंगबली।